सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी से ठीक पहले एक बार फिर उनके निधन का मामला सुर्खियों में है। सुशांत केस में ड्रग्स के तार खंगाल रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिव्यंगत एक्टर के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को 28 मई को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था, जबकि रविवार को सुशांत के हाउस हेल्प रहे केशव और नीरज से भी एनसीबी अधिकारियों ने पूछताछ की है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को ही नीरज और केशव को ब्लड स्टेट स्थित एनसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया। दोनों को इससे पहले पूछताछ के लिए समन भी जारी किया गया था। रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से लिखा गया कि एनसीबी अधिकारियों ने रविवार देर रात तक दोनों से लंबी पूछताछ की है। हालांकि जब अधिकारियों से पूछा गया कि नीरज और केशव का ड्रग्स केस से क्या कनेक्शन है, तो अधिकारी ने सिर्फ इतना कहा कि पूछताछ अभी जारी है। शुक्रवार को एनसीबी ने हैदराबाद से सुशांत के पूर्व फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया था। पिठानी पर आरोप है कि वो सुशांत को ड्रग्स सप्लाई करने वालों में शुमार हैं। शुक्रवार को ही पिठानी को कोर्ट के सामने भी पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 जून तक के लिए एनसीबी की रिमांड में भेज दिया गया है। आपको बता दें, सिद्धार्थ पिठानी, केशव और नीरज ये तीनों ही 14 जून को उस वक्त सुशांत के घर पर मौजूद थे जब सुशांत का निधन हुआ था। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी ने ही कमरे की चाबी नहीं मिलने पर चाबी वाले को फ़ोन किया था और उन्हीं की तलाश में आपको बता दें कि एनसीबी लगी हुई थी। और जब एनसीबी ने समन जारी किया था सिद्धार्थ पिठानी को, तो सिद्धार्थ पिठानी ने कोई जवाब नहीं दिया था, जिसके कारण मजबूरन एनसीबी को सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार करना पड़ा था। अब नीरज और केशव से भी पूछताछ हुई है और उन लोगों ने भी काफ़ी खुलासे किए हैं। जी हाँ, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। सुरभि की रिपोर्ट।